सो हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, जैसे कि किसी का जन्मदिन आ रहा है, विशेष पोस्टर बनाना चाहते हैं, उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, तो विशेष पोस्टर कैसे बनाते हैं जन्मदिन का, बर्थडे का, यही हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐप को ओपन करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करना है यहाँ से एडिट करके इमेज साइज़, मतलब जो इमेज साइज़ रखना चाहते हैं आप इस तरह से रखेंगे। यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस न्यू टेस्ट को यहाँ से डिलीट कर लेना है, डिलीट वाले ऑप्शन से। उसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, बैकग्राउंड बनाना होता है। बैकग्राउंड पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। हमने आपको कई बार कई वीडियो में बताया है किस तरह से बैकग्राउंड बनाते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे जाके आप कोई कलर रख सकते हैं, नीचे ग्रेडियंट मिलता है, ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं कलर, मतलब जो भी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने क्या किया है, पहले से बैकग्राउंड को बनाकर सेव कर लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लस का आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जाएंगे फ्रॉम गैलरी में। दोस्तों फ्रॉम गैलरी से जो बैकग्राउंड आपने बनाकर सेव किया है या कोई डाउनलोड किया है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ से ओके, पहले से बनाकर सेव कर लिया था। अब हम इसको फिट करेंगे, तो यहाँ से थर्ड नंबर है, इस पर जाएंगे। इसको अच्छे से फिट करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि, और यहाँ से रिलेटिव साइज़ मिलता है, यहाँ से भी 100 करके इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ओके, उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको लॉक, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड लॉक हो जाएगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिसका जन्मदिन है, जिसको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनका आपको इमेजेस सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके दोस्त मित्र का बर्थडे है, आप उनको विश करना चाहते हैं, तो फॉर्म गैलरी से जाके आपको इमेजेस को, फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो दिनेश लाल यादव जी का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से जो भी इमेज रहेगा आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस इमेज को क्या करेंगे, आप यहीं पर छोटा बड़ा करके इस तरह से फिट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हैं। अब आपको अगला पीएनजी इमेज सिलेक्ट करना है इसी तरह से। तो नेक्स्ट पीएनजी इमेज हमने दूसरा बनाकर सेव कर लिया था, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इस पीएनजी इमेज को यहाँ पर फिट कर लेंगे दोस्तों, दे पाएंगे। उसके बाद जो अगला पीएनजी हमारा रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर है, तो इस इमेज को भी हम अच्छे से क्रॉप करेंगे, ओके करेंगे। इस पीएनजी इमेज को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से दोस्तों, देख पा रहे, यहाँ पर आपको इस अच्छे से फिट कर लेना है, ये आपका हो गया। इसके बाद आपको वापस फ्रॉम गैलरी से जाके जो भी इमेजेज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बर्थडे का पीएनजी इमेज है, हैप्पी बर्थडे, तो आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। नहीं है तो हमने बताया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीएनजी इमेज को हम रख लेंगे सबसे ऊपर दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा हो गया। बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको बड़ा भी रख सकते हैं, यहाँ पर छोटा बड़ा करके। अब आपको लिखना है टेस्ट, तो दोस्तों टेस्ट लिखने के लिए आपको यहाँ से न्यू टेस्ट ले लेना है, टेस्ट को लाकर यहाँ पर रखना है। आप एडिट करके, जैसे कि मैं आपको टेस्ट लिख के बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से एडिट करेंगे। यूनिकोड यूज करना चाहते हैं करेंगे, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्री, इस तरह से, मतलब जो भी है आप लिखेंगे टेस्ट। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्क्रॉल करके आपको जाना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी कलर रखना चाहते हैं आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर लेना है। उसके नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको ए बी फॉन्ट मिलता है, ए बी फॉन्ट से जाके, यूनिकोड यूज करते हैं तो मोई फॉन्ट पे जाएंगे, नहीं तो नॉर्मली फॉन्ट है तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब आपको आना है नीचे, नीचे आएंगे तो स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, पॉइंट रखेंगे, कलर रखेंगे ब्लैक पॉइंट, अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे तो शैडो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इनेबल करेंगे, इसका भी कलर ब्लैक ही रखेंगे। ऑपेसिटी हमने 100 रखा है, जो ब्लर रेडियस पॉइंट है 10 पॉइंट रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद टेस्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, और छोटा बड़ा करके आप इस तरह से यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ये आपका हो गया। तो सभी टेस्ट इसी तरह से लिखने के लिए आपको ऊपर जाना है, कॉपी करना है, नीचे रखना है, एडिट करना है, एडिट करके सभी टेस्ट आपको लिख लेना है। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो जैसे कि यहाँ पर नीचे आप अपना फ़ोटो में रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो पवन सिंह जी हैं उनका मैं सेव करके रखा है,
तो आप क्रॉप करके ओके करेंगे, इमेज को छोटा बड़ा करेंगे और यहाँ पर रखेंगे जैसे कि नीचे यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद न्यू टेस्ट लेंगे और टेस्ट को यहाँ पर रख के जिसका भी फोटो मान लीजिए अपना फोटो में लगाते हैं आप यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर नीचे आप अपना नाम लिख ले लेंगे। नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जगह स्पेस मिलता है, तो आप बर्थडे का जो केक है जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हो गया, इस इमेज को हम क्या करेंगे छोटा बड़ा करके यहाँ पर फिट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। पार्टी का लोगो इमेज है जैसे कि यहाँ पर बीजेपी के लिए हैं, तो यहाँ पर जो बीजेपी का लोगो इमेज है अगर आप रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप अपने चैनल का लोगो इमेज रख सकते हैं। तो इस लोगो इमेज को हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पर जो कंप्लीट टेस्ट हमने यहाँ पर लिख के सेव किया है, किस तरह से लिख के सेव किया है और किस तरह से आपका बर्थडे का पोस्टर कंप्लीट होके तैयार हो जाएगा वो हम आपको पहले बता। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब आप कंप्लीट पोस्टर तैयार करेंगे, कंप्लीट टेस्ट लिख के, कंप्लीट आप PNG लगा के, तो यहाँ पर इस तरह का आपका जो बर्थडे का पोस्टर है तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसे बताया था यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है मेरे प्रिय, हमने लिखा है मेरे प्रिय भाई, और यहाँ पर जिसका बर्थडे है उनका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है जन्मदिन। इस तरह से अलग अलग कलर फॉन्ट चेंज करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है हार्दिक एवं बधाई और उसके नीचे बड़े में लिखा है शुभकामनाएं, और यहाँ पर जो ये है आजमगढ़ BJP सांसद एवं अभिनेता, इस तरह से हमने लिखा है। यहाँ पर दो इमेजेज हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका जन्मदिन का विशेष पोस्टर है आसानी से बनकर तैयार हो गया है। इसको आसानी से आप सेव कर सकते हैं, आसानी से शेयर कर सकते हैं और जिसका बर्थडे है आप उनको विश भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।